जिला कांगड़ा के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन बैजनाथ पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने बैजनाथ को करोड़ों रुपए की सौगातें देते हुए कई योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सीएम ने बैजनाथ में कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन का मामला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया है। बैजनाथ के मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हाल ही में 4 लेन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभाग को आदेश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण व टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि इसका कार्य शुरू हो पाएगा। सीएम ने कहा कि छोटे से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों में एम्स हिमाचल को मिला है। सीएम ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी के टेस्ट के लिए प्रदेश से बाहर चंडीगढ़ जाना पड़ता था, ऐसे में सरकार टीएमसी में इस मशीन को स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिससे कि इस बीमारी के मरीजों को टेस्ट के लिए हिमाचल से बाहर ना जाना पड़े। सीएम ने बैजनाथ में 3,767.89 लाख रुपए की भूमि पूजन और शिलान्यास तथा 837.95 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान बैजनाथ के शीतला चौक में 325.90 लाख रुपए की लागत से शीतला से सकड़ी सड़क के सुधारीकरण का भूमि पूजन, 351 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना नोहरा चिकोल का शिलान्यास किया। सीएम ने सकड़ी में 952.25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय आईटीआई भवन का शिलान्यास, दानक में 688 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना दानक का शिलान्यास किया। पपरोला स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 837.95 लाख रुपए की लागत से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेरियाट्रिक केयर को जनता को समर्पित किया। 303 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना टिकरी सुगूर का शिलान्यास और रक्कड़ मिसरेना में जल जीवन मिशन के तहत 1107.74 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना रक्कड़ मिसरेना का शिलान्यास किया। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन द्वारा जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना डमटाल के अंतर्गत आधे नशे के गढ़ छन्नी बेली में डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों सहित सुबह 5 बजे दबिश दी, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस द्वारा हर एक घर की तलाशी ली गई, जिसमें 6 जलती लहन की बटियां जब्त की गई, हजार हजार लीटर के 80 के करीब कच्ची शराब की ड्रम नष्ट किए, 125 लीटर तैयार शराब जब्त की। वहीं 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए, 6 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात रहे कि गांव छन्नी बेली पहले कई राज्यों में लाहन के लिए मशहूर था, किंतु मोटे मुनाफे के चलते यहां के अधिकतर लाहन बेचने वाले हीरोइन का काम करने लग पड़े, अतः कई नौजवानों की जिंदगियां छीन चुके हैं। पुलिस द्वारा आए दिन यहां कार्रवाई की जाती है, किंतु ये नशा तस्कर बाज नहीं आते। वहीं जब घर के मर्द जेल चले जाते हैं तो इनकी महिलाएं ये कारोबार करने लगती हैं, यहां तक कि अब तो इनके नाबालिग बच्चे भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर डीएसपी डॉक्टर शाहिल अरोड़ा ने कहा कि नशा कारोबारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, ये लोग या तो नशा कारोबार बंद कर दे अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई नशा बेचता हुआ पाया जाता है तो वह इसकी जानकारी नजदीकी थाना में दे या सीधे तौर पर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम व पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस मौके पर थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र दीवान, थाना प्रभारी नूरपुर भाटिया सहित डमटाल नूरपुर इंदौरा की पुलिस मौजूद रही।
प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 19 गांव मॉडल बनेंगे। इन गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। योजना के तहत हर गांव के विकास पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चयनित गांवों के लिए सर्वे में सामने आई कमियों को भी योजना के तहत 2 सालों में दूर किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई है। आदर्श ग्राम योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चिन्हित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 डोमेन के 50 संकेतकों में सुधार करना है। केंद्र सरकार ने चिन्हित गांवों के लिए 20-20 लाख रुपए का प्रावधान किया है और इस राशि के उपयोग के लिए 2 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। इन गांवों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। EDC जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के तहत जिला के 15 ब्लॉकों से 19 गांवों का सामाजिक और आर्थिक सहित विभिन्न 10 पैरामीटर्स को देखते हुए भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है। प्रथम चरण में इन सभी गांवों में सुविधाओं का सर्वे करवाया गया है। सर्वे में सामने आई कमियों को आगामी 2 वर्षों में दूर किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से 20 लाख की फंडिंग भी मनरेगा और 14वें वित्त आयोग के पैसे को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिससे लगभग 35 से 40 लाख रुपए एक गांव पर खर्च किए जाएंगे।